लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। आज हमारे साथ है हिंदूवादी नेता चंदेल जी। जानते हैं, रोशनी डालते हैं जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। राजू जी, लाइव न्यूज दिल्ली चैनल पर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त जो है पूरा देश जो है अमरनाथ यात्रा के लिए जाने के लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो मैं कह देना चाहता हूँ इस बार 30 से 35 लाख श्रद्धालु इस बार आ रहे हैं और बेखौफ होकर के यात्रा को शामिल हो रहे हैं। और प्रशासन ने बहुत अच्छी तैयारियाँ की हुई हैं और मैं कहता हूँ शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। अच्छा, ये ओबीसी जो बार बार ऐसे कुछ कटु शब्द बोलता है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इनकी अगर ये कट्टरपंथी बातें और नफरत की बातें नहीं बोलेंगे तो इनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। कमल जी, देखिए मैं भी हिंदूवादी नेता हूँ, मैं कभी किसी धर्म के बारे में, किसी मजहब के बारे में और कभी जातिवाद टिप्पणी नहीं बोलता। मैं समान रूप से चलता हूँ, क्योंकि ये देश जो है गुलदस्ता है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके आते हैं। और जहाँ तक बात आती है मंदिर मस्जिद विवाद की, देखिए अभी राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है कोर्ट की सहमति से हुआ है। और अभी जैसा आप मेरे से जिक्र कर रहे थे ज्ञानव्यापी मंदिर के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब वहाँ जो सबूत मिल रहे हैं उसको नहीं झुटलाया जा सकता। और देखिए ऐसे तो तर्क देने को मैं भी दे सकता हूँ और वो सच्चाई है, शिव ही सत्य है। जब शिवलिंग वहाँ मिल गया है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। और जहाँ तक कुछ अपने बुजुर्गों से मैंने सुना है कि सनातन धर्म जिस वक्त उसकी उत्पत्ति हुई, जब भगवान श्री राम आए तो राक्षसों की बड़ी उत्पत्ति हो गई थी, तो यहाँ सिर्फ शिव को मानने वाले दो ही वर्ग थे, जिसमें जो आज आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, लक्ष्मण जी ने सुपर्णलेखा की नाक काटी थी, वो राक्षसी थी, राक्षसी राजकुमारी। तो आपको पता होगा रावण राज मारा गया, सब कुछ तबाह हो गया, सुपर्णलेखा का आज तक नहीं पता। तो यही सुपर्णलेखा थी जो मक्का मदीना जा करके ये छुप गई थी, और जो आत्मलिंग था भगवान शिव ने इनके गुरु को दिया था शुक्राचार्य जी को, शिवलिंग को ले जाकर इन्होंने वहां रखा। तो ये लोग भी शिव को मानते हैं लेकिन इनकी पूजा पद्धति अलग तरीके से। तो आज जो जहाँ तक है शिवालय वगैरह इस तरह के ये रखते हैं करते हैं, ये खुल के नहीं कहते क्योंकि इनके जो बुजुर्ग है वो कह के चले गए इनको, तो ये खुल के नहीं, ये भी शिव की ही पूजा करते हैं। और जब भी हम कहते हैं कि भगवान एक है, अल्लाह भी एक है, भगवान भी एक है, क्योंकि जो ये कहते हैं वो शिव ही हैं। जी जी, सही है, शिव ही हैं। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। आज अगर इस पे से पर्दा उठा जाए, अगर कोई करता है इस पे, बहुत बड़ा विषय बन जाएगा, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के लोग अपने रोजी रोटी और ज्ञान को बढ़ाने में लगे रहे और ये लोग उत्पत्ति बढ़ाने में लगे रहे, अपनी पैदावार बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन इन्होंने हमेशा शिव की आराधना की है और वो पर्दे के जो पीछे हैं शिव ही हैं। अब जैसे ज्ञानवापी में मिला शिव ही मिले, तो ये खुल के मूर्ति पूजा नहीं करते। अच्छा, सत्य ये बात सत्य है जो आप बोल रहे हैं, ये तो चलिए ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम यदि ये देखते हैं, आज जो मुस्लिम जितने समाज के लोग हैं कुछ इस तरह के भयभीत हो रहे हैं, क्या कारण समझते हैं कि जिस तरह की आज देश में चल रहा है कि मतलब इसमें मोमन लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं, कि वो कहते हैं कि ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं हिंदू लोग, तो इस विषय में क्या? देखिए हिंदू राष्ट्र अगर हिंदुस्तान में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? और रही मुस्लिम भाई जो हैं हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं, वो हमारे अपना खून है, हमारे ब्लड रिलेशन है उनके साथ में। ये तो मुग़ल शासक जो आए थे जबरन, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, वो हमारा खून है, उन्हें हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, प्यार से मेल जोल से रह रहे गाँव देहात में, हम उत्तर प्रदेश में चले जाए और राज्यों में चले। ये तो कुछ कट्टरपंथियों की जो दुकानें बंद ना हो जाए इसलिए वो राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति। हम कहते हैं ये हमारे अपने हैं मुस्लिम भाई, हम लोग हमेशा रहते हैं, इनके त्योहारों में जाते हैं, ये हमारे में आते हैं, लेकिन कुछ चंद राजनीतिक लोग जो हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। अब जैसे सर्वे की बात यहाँ की आई है, आप भी कह रहे थे कि गुरुजी जो इस प्रकार से ताजमहल का चल रहा है, देखिए ताजमहल एक धरोहर है, उसमें भी कुछ लोगों ने तर्क दिया कि भगवान जो हमारे कृष्ण थे उन्हों की
प्रेम की यह एक निशानी रही थी यहाँ पर, उसको तुड़ा करके जो मुमताज महल ये बनाया गया, अगर ऐसा कुछ साक्ष्य मिलता है कोर्ट की सहमति से, जबरन नहीं, प्यार मोहब्बत से इन चीज़ों को सुलझाना चाहिए दोनों समुदाय के लोगों को बैठ करके, अगर ऐसा कुछ मिलता तो मैं कहता हूँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति लगा के वहाँ पूजा की जानी चाहिए, अगर ऐसा मिलता है तो। उसको तोड़ने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। हाँ, तोड़ना किसको चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में जो मुगल आए थे, मुगलों के जो नाम जगह जगह दिए गए हैं उनको हटाना चाहिए, उनके नाम बदलने चाहिए, उन्हें ऐतिहासिक स्मारकों से हटाने चाहिए। अगर रखना है तो हमारे देश के महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी थे, उनके नाम से स्मारकों के नाम रखने चाहिए। अब्दुल हमीद है, वो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारे अपने वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो उनके नाम रखने चाहिए। हमें किसी मुसलमान भाइयों से, किस देश को, सनातन प्रेमियों को, हिंदुओं को कोई नफरत नहीं है, नफरत तो उनसे है जो कट्टरपंथ का जहर उगलते हैं, आपस में लड़वाते हैं। हाँ, अगर किसी चीज़ पे कोई विवाद है तो भाई पारिवारिक रूप से बैठ करके, एक समाज बैठ करके उसका निर्णय ले, जो सत्य है, सत्य ही शिव है, निपटारा किया जाने से। पहले नहीं होते थे क्या कमल जी फैसले, पंचायतें होती थी, कानून अदालतें आज आई हैं, पहले पंचायतें हुआ करती थी। आज देखिए पंचायती राज के अंदर सारे कार्य हुए हैं, आज भी हो रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में विज्ञान भवन में मीटिंग हुई थी, सारे जजी आए थे, उनको कहा कि इस तरह के जो वाद विवाद हैं तो उन्हें ऐसे निपटाना होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से और सबकी सहमति से, जिससे कि कोर्ट में लाखों केस आज पेंडिंग पड़े हैं, लोगों को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है लोगों को, और नए नए विवाद और आ जाएंगे तो पुराने केसों का क्या होगा जो लाखों पेंडिंग पड़े हैं। तो मैं कहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये राजनीति की जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेक ले हैं, इनकी दुकानदारी बंद की जानी चाहिए। अगर ये लोग ओवैसी जैसे लोग यहाँ बोलते हैं हिंदुस्तान में, अगर ये चाइना में होते तो इनको उठा करके अंदर ठोक दिया जाता। ये हिंदुस्तान है, हमें अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, स्वतंत्रता से रह रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, आज उसी की आज़ादी है जो इन्हें कहने का मौका मिल रहा है। आज यही बात, ये कट्टरपंथी बातें पाकिस्तान में बोल के दिखाएं, अफगानिस्तान में बोल के दिखाएं, इनके शर्म सर कलम कर दिए जाते हैं। ये हिंदुस्तान है, तुम्हें आज़ादी है, इस तरह मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ओबीसी जी, ये नफरत की भाषाएं बोलना बंद करें। अगर आपको देखना है शिव की सत्यता को, तो आप खुद आए ज्ञान व्यापी में, हम रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि आपकी आंखों से के ऊपर जो चश्मा लगा हुआ है उसे हटाएं और देखें शिव ही सत्य है। जी जी, अच्छा आखिरी सवाल है, जैसे कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में मामले में हमने किसी से जानकारी चाहिए तो एक अल्पसंख्यक के नेता हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है यदि यहाँ मंदिर है और कुछ चीज़ निकली है तो ये सभी हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए, इसमें यानी क्या कहना आप? देखिए, वो एक बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर, जिन्होंने कहा है, अच्छी बात है, वो हिंदुस्तान का इतिहास जानते हैं। काशी नगरी, विश्वनाथ नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ पर कभी ये नहीं थे। लेकिन अगर आपने शिव की पूजा करनी है तो कीजिए, लेकिन उसका अनादर मत कीजिए। शिव आपके हैं, हम सब शिव के हैं, उसकी शिव की सभी संतानें हैं और शिव ही सत्य है। आप खुल करके करो ना पूजा, क्या कौन रोकता है तुम्हें, लेकिन नफरत मत फैलाओ। ज्ञान व्यापी, ज्ञान मिलता है, शिव ही सत्य है। चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदू नेता चंदेल जी, और राजू चंदेल जी ने जो बताई सत्य बात है, हम इनकी बात को अपने चैनल के माध्यम से प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे शब्द, धन्यवाद चंदेल जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।